गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर लेसन सिक्स एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. ओके, ऑथर इज श्रद्धा द्विवेदी. ओके, निषाद अ बॉय ऑफ सेवन ऑल्सो कॉल्ड सेवन बिकॉज हिज नेम मीन्स द सेवंथ नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल. ओके, एंड हिज 10 ईयर्स ओल्ड सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन. ओके मिस्टर नाथ, देन वन डे द चिल्ड्रन मार्बल रोल्स इन टू मिस्टर नाथ रूम एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. इज ही ए क्रूक ऑन द रन? Why is his face badly scarred? Why has he no friend? Nishad's mother. A doctor knows Mr. Nath as a patient who is very polite. Okay, कहने का मतलब है कि निषाद एक 7 वर्ष का लड़का है. ओके, उसे सप्तक भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ है संगीत में 7वां सुर. उसकी 10 वर्षीय बहन माया श्रीमान नाथ के बारे में बड़े जिज्ञासु हैं, बहुत जिज्ञासु हैं. और तब एक दिन बच्चों के कंचे श्रीमान नाथ के कमरे में चले गए और निषाद को उसे देखने का एक मौका मिल गया. ठीक है, तो क्या हुआ है? कोई बदमाश है जो पुलिस से भागा हुआ है? उसका चेहरा बुरी तरह से निशानों वाला क्यों है? उसका कोई मित्र क्यों नहीं है? निषाद की माँ जो एक डॉक्टर हैं श्रीमान नाथ को एक रोगी के रूप में जानती हैं जो कि बहुत विनम्र हैं, पोलाइट हैं. ओके, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स. एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड द क्लिनिक सेवन सेट ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. ओके, यानी जैसे ही हम चिकित्सालय के पीछे से गुजरे सप्तक ने कहा, माया एक राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता किंतु तुम देख सकती हो वह कितना दुबला पतला है. शायद वह बहुत गरीब है, भोजन का खर्च नहीं उठा पाता हो. ओके, ही कांट बी पुअर इफ ही इज क्रूक ऑन द रन. आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेज अवे समवेयर इन द रूम. यानी यदि वह एक फरार अपराधी है तो वह गरीब नहीं हो सकता है. मैंने उसे बताया उसके पास शायद लाखों रुपए हैं जो उसने उस कमरे में कहीं छुपा रखे हैं. ओके, डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया? ही डजेंट लुक लाइक वन. निषाद लुक डाउटफुल. ऑफ कोर्स ही इज वन सेवन I said and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meals up from the restaurant downstairs. Okay. Please turn over. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money? टू पे फॉर फूड. निषाद सेड एक्चुअली आई एक्सक्लेम्ड ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हिडन समवेयर मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड. ओके, यानी माया क्या तुम वास्तव में यह सोचती हो कि वह एक अपराधी है? वह उन जैसा नहीं दिखाई देता. निषाद शंकायुक्त दिखाई दिया. बेशक वह उनमें से ही एक है. सप्तक, मैंने कहा, और निश्चित रूप से वह भूखा नहीं मर रहा है. श्रीमान मेहता ने बताया रमेश सीढ़ियों के नीचे वाले जलपान गृह से उसके लिए भोजन लाता है. परंतु माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि वह कहीं भी काम नहीं करता. फिर उसके पास खाने के पैसे कहाँ से आए? निषाद ने कहा. ओके,
एक्चुअली आई एक्सक्लेम्ड ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर मे बी इन द ट्रंक एंड इन हिज रूम इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ओके। फिर उसने बताया कि यह तो मैंने आश्चर्य जताया कि इसके पास जरूर बहुत सारे छुपाए हुए पैसे होंगे, शायद उसने अपने कमरे और संदूक में रखे होंगे, उसमें शायद बहुत सारे सोना चांदी हीरा जवाहरात ये भी होंगे ओके। अब वो कहता है कि व्हाट रवीश, निषाद इंटरप्टेड, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम बाय द वे सेवन डिड यू सी ही स्केयर्स आई कुडंट इट वाज टू डार्क बट आई बेट ही गोट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग ओके। अब वो कहता है कि क्या बकवास है, निषाद ने बीच में ही टोका क्या बकवास है, और उसने कहा मैं यानी मूर्ख मैं जानती हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने उसे बताया चलो कोई बात नहीं, निषाद क्या तुमने उसके निशान देखे हैं, क्या तुमने उसके निशान देखे हैं, मैं नहीं देख सकता बहुत अंधेरा था किंतु शर्त लगा सकता हूँ ये शायद पुलिस या किसी और के द्वारा गोली के निशान हो सकते हैं ओके। और वो कहता है मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स निषाद एंड फर्मली। अब वो कहता है कि परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। ठीक है, मम्मी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया था कि वे जलने के निशान थे, निषाद ने सख्ती से कहा शायद पुलिस ने उसे बाहर निकालने के लिए उसके घर को आग लगा दी हो, मैंने सुझाया सब तक आश्वस्त नहीं लगा ओके। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे सेवन वेंट अलोन विद हर टू क्लिनिक एट गिरगम एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड व्हेन दे रिटर्न निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर ओके। अगले सोमवार को मम्मी का जन्मदिन था, सब तक उनके साथ गिर गांव में उनके अस्पताल में चला गया ओके। और मैंने अपनी शाम अपने स्कूल के एक मित्र के साथ बिताई, जब वे वापस लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि उसने श्रीमान नाथ को देखा और मैं झुंझला उठी, मैं वहाँ नहीं थी जबकि मैं वहाँ पर नहीं थी ओके। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड अलाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर द इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ ओके। सब तक श्रीमान नाथ की रुग्ण अवस्था को देखकर, यानी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, रुग्ण अवस्था को देखकर बड़ा बेचैन था और उसे पक्का विश्वास था कि वो भूख से मर रहा था। ठीक है, उसने मुझे बताया कि उसने शाम को श्रीमान नाथ के कमरे के दरवाजे को जोर से खटखटाया और कहा श्रीमान नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए ओके। The man had opened it and asked him, lost another marvel. He had obviously recognized my brother. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Okay, अब क्या होता है? व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा क्या दूसरा कंचा खो दिया ओके। वह स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान गया था। नहीं, निषाद ने कहा, नहीं, उसने एक उस व्यक्ति का हाथ और हाथ में लिया हुआ उसका चॉकलेट भी था उसे दे दिया। सब तक क्या तुम्हें बक्से के मैं झांकने का मौका मिला, मैंने पूछा। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, He didn't even ask me in, he said, then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh worked and talked to him. Good for you,
मिस्टर डिटेक्टिव आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक आई होप यू क्वेश्चन्ड हिम प्रॉपरली। निषाद हतोत्साहित लग रहा था, यानी थोड़ा हिम्मत हार रहा था। उसने मुझसे अंदर आने को भी नहीं कहा और वह मुस्कराया। किंतु माया, मैंने कुछ खोज लिया है। मैंने नीचे जलपान गृह में गया जहाँ रमेश काम करता है और उससे बातचीत की। बहुत अच्छा श्रीमान जासूस, मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे अच्छी तरह सवाल पूछे होंगे। ओके, सेवन लुक्ड प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड टू कप ऑफ टी वन इन द प्लीज टर्न ओवर। ओके, मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपातीज, सम दाल एंड ए वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। ओके, यानी अब वो बता रहे हैं कि सब तक प्रसन्न दिखाई दे रहा था। रमेश ने मुझे बताया कि वह श्रीमान नाथ का भोजन दो बार सुबह शाम को ले जाता है और दो कप चाय एक सुबह दूसरी दोपहर को ले जाता है। रमेश कहता है कि वह कुछ विशेष नहीं खाता है, वह हमेशा यही खाना खाता है, दो चपाती, थोड़ी सी दाल या सब्जी। श्रीमान नाथ नगद पैसा और अच्छी टिप देता है। ओके, अब देखिए वो उसको अच्छी टिप देता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टल्स। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स ए लेट, विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। ओके माया, रमेश ने मुझे कुछ अजीब बताया। सप्तक ने आगे कहा, लगभग हर रविवार को वह श्रीमान नाथ के कमरे में दो आदमियों के लिए दोपहर का भोजन ले जाता है और हर बार एक ही व्यक्ति उसके साथ होता है। वह एक लंबा गोरा मजबूत व्यक्ति है, यानी हैंडसम व्यक्ति है, और चश्मा लगाता है। रमेश कहता है कि उससे मिलने वाला व्यक्ति बहुत बातें करता है जबकि श्रीमान नाथ कुत्तो बहुत कम बोलता है। ओके, यानी वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद अवर इंक्वायरीज वी वेल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। बहुत अच्छा निषाद, मैंने उसे बताया कि निषाद बहुत अच्छा, अब हम अपनी पूछताछ में कुछ प्रगति कर सकते हैं। हमने कुशल जासूसों की तरह सारे तथ्य छांट लिए, ठीक है, यानी सारे मेन पॉइंट छांट लिए जिससे हम बदमाशों को पकड़ सकें। ओके, हाउ यू टू गो ऑन माया। सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज क्रुक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। यानी माया, तुम किस तरह आगे बढ़ सकती हो। सप्तक ने आह भरी, यानी वो परेशान होने लगा, तुम यह कल्पना किस प्रकार कर सकती हो कि वह एक बदमाश है, यह बहुत साधारण सा दिखता है, यानी बहुत सज्जन आदमी है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, सिमिलरिटी। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। आई रिटोर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। निषाद लुक्ड डाउटफुल। ओके, अपराधी बहुत साधारण से भी दिखाई दे सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने कहा, क्या तुमने कल अखबार में हैदराबादी सेंधमार की तस्वीर नहीं देखी, वह गली में रहने वाला एक साधारण आदमी की तरह दिखाई देता था। निषाद शंकित दिखाई दिया। ओके, द मॉनसूनस ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड्स अकम्प्लेड बाई ब्लाइंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ द थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी।
flooding the street with a heavy downpour. School bus have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded road and there was an unexpected holiday. यानी क्या हुआ कि अगले दिन मानसून आरंभ हो गया. ओके, काले बादल बिजली की तेज चमक और गरज के साथ आए और उन्होंने भारी वर्षा से गलियों में बाढ़ ला दी. गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने वाला था, किंतु इन बाढ़ग्रस्त गलियों से कोई वाहन नहीं गुजर सकता था, इसलिए हमारी एक आशा के विपरीत छुट्टी हो गई. ठीक है, बच्चों की छुट्टी हो गई. आई थॉट आई हैड स्पेंट द टाइम यूजफुली. आई सेट एट माई डेस्क इन अवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी. ओके, मैंने सोचा कि मुझे उपयोगी कार्यों में दिन बिताना है. मैं हमारे शयन कक्ष में मेरी मेज पर कागज लेकर बैठ गई. ओके, और क्या हुआ? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रॉक. एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटिंग टू द होल वर्ल्ड. देन आई बिगेन राइटिंग. अबाउट हाफ एन आवर लेटर टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रॉक. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटिंग टू द होल वर्ल्ड. Then I began writing about half an hour later, turned towards Seven who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. Okay. मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा. अपराधी को पकड़ना, शातिर जासूस, निषाद और माया पंडित, सभी से केवल पूर्व सूचना, नियुक्त समय पर. ओके, तब मैंने लिखना आरंभ किया. आधे घंटे बाद मैं सप्तक की तरफ मुड़ी और अपने पेट के बल अपनी हथेलियों को ठोड़ी पर लगाए कॉमिक्स पढ़ रहा था जो मैंने लिखा था. और उसे सुनना चाहते हो? मैंने पूछा. उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से ऊपर देखा. मैंने श्रीमान नाथ के बारे में वे सब तथ्य लिखे थे जो हम जानते हैं और वो हमें उसे पकड़ने में मदद करेंगे. मैंने कहा, सुनना चाहते हो? सप्तक ने सिर हिलाया. प्लीज टर्न ओवर. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट दैट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अप टू द ट्रैप हिम. आई सेड वांट टू हियर. सेवन नोटेड फैक्ट नंबर आई रीड हिज नेम मिस्टर नाथ. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. Do you think that's his real name? Maya, Nishad asked. Okay. Probably not, I said. Must crooked have an alias? I added a big question mark after Nath. तथ्य नंबर वन, मैंने पढ़ा उसका नाम श्रीमान नाथ है. हमें उसका प्रथम नाम खोजना होगा. Okay. और क्या करना होगा? माया, क्या तुम सोचती हो कि उसका असली नाम यही है? निषाद ने पूछा. शायद नहीं, मैंने कहा. ज़्यादातर बदमाश एक उपनाम रखते हैं. मैंने नाथ के आगे एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया. फैक्ट नंबर टू, यानी फैक्ट नंबर टू. आई रीड ऑन द टिनेंट एट शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. नंबर थ्री ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड इज मैनरलेस. ओके, मैनरलेस. बट ही डिडंट टॉक टू अस. माया एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू. आई सेड एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. ओके, यानी तथ्य नंबर टू में
आगे पढ़ती गई। शंकर के घर में काम करने वाले कहते हैं कि वह पागल, विचित्र और मिलनसार नहीं है। तथ्य नंबर 3, किसी से बात नहीं करता, अभद्र है, किंतु उसने हमसे बात की। माया और मम्मी कहती हैं कि वह बड़ा विनम्र है। निषाद ने बीच में ही टोका, ही इज ओनली टॉक टू अस, यानी ही इज ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। आई सेट एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू पोलाइट, यानी उसकी मम्मा ने कहा था कि वो बहुत विनम्र है। और उसने आगे बोला कि नंबर 6, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। नंबर 8, ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टल फेयर फैट मैन हु विजिट हिम ऑन संडेज फॉर लंच। ओके, यानी उसने केवल हमसे बात की क्योंकि उसे करनी पड़ी। मैंने कहा और वह मम्मी की चिकित्सा, मम्मी के जो इलाज है, उपचार है, उसके अधीन है, इसलिए उसे विनम्र होना पड़ा। ओके, तथ्य नंबर 4, उसके पास कोई पत्र नहीं आते। सप्तक ने सिर हिलाया, ठीक है। तथ्य नंबर 5, वह शंकर के घर में कमरा नंबर 10 में 1 साल से भी अधिक समय से रह रहा है। मैंने जारी रखा। तथ्य नंबर 6 में वह काम नहीं करता और अपने कमरे में सारा दिन बैठा रहता है। तथ्य नंबर 7, शंकर के घर के बच्चे और कुछ बड़े भी उस पर शक करते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेशल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाई रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। ही डजेंट केयर वॉट ही ईट, पे द बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, दैट एंड माई लिस्ट, हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग। 7, ओके, यानी तथ्य नंबर 8, उसमें एक चश्मे वाले गोरे और मोटे आदमी जो उसके पास रविवार को दोपहर के भोजन के समय आता है के अलावा कोई मिलने जुलने वाला नहीं आता। ओके, तथ्य नंबर 9, रमेश द्वारा सीढ़ियों के नीचे के जलपान गृह से उसके लिए भोजन और चाय नाश्ता ले जाया जाता है। वह खाने की चिंता नहीं करता, अपना बिल व टिप का तुरंत भुगतान कर देता है। यहाँ मेरी सूची समाप्त होती है। क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ? सप्तक, निषाद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग टू सच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। ऑल ही कुड मैनी कुड से वाज पुअर मैन माया ही मस्ट बी सो लोनली। माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। ओके, यानी वो कहता है, हाउ कैन ए क्रुक हैव फ्रेंड्स, यू डिड, आई ऑलमोस्ट डाउट इट, एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निषाद। ओके, यानी निषाद स्पष्ट रूप से मेरी तथ्य सूची पर पूरा ध्यान देता है। प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसने केवल यह कहा, बेचारा व्यक्ति माया, वह कितना अकेला होगा यदि उसका कोई मित्र नहीं है तो। मूर्ख एक बदमाश के मित्र कैसे हो सकते हैं? मैं लगभग चीख उठी। कम से कम उसका मित्र तो है, उससे रविवार को मिलता है, निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लियंस इन क्राइम। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिस। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निषाद एंगरली। ही कांट बी सच ए बैड मैन।
इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। तभी एक तीव्र विचार मेरे दिमाग में आया, तो वह आदमी जरूर श्रीमान नाथ का अपराध में सहयोगी रहा होगा। मैंने कहा, शायद सारा लूट का माल उसके पास ही होगा, वह श्रीमान नाथ को उसके खर्चे के लिए उसका हिस्सा देता होगा। यही बात है, मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हूँ। यदि तुम उसे अपराधी कहने की जिद करती हो, तो फिर मेरे विचार से मैं तुमसे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। माया, निषाद ने गुस्से में कहा, वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता। यदि वह रमेश को इतनी अच्छी तरह टिप देता है तो ओके। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। निषाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Seven? I asked. Okay, I will cooperate only if you give up this idea about him being an except crook, and said Seven. You really make me angry. Almost hit him. I make you angry, you stupid. Oh, I shouted, you make me mad. What is the point of all these inquiries of he's not a crook? If you don't, he's a nobody. What's the idea of bothering about him? Please tell me. Okay, Ramesh, shayad उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है, इसलिए श्रीमान नाथ उसे चुप करने के लिए रिश्वत देता है। मैंने कहा, निषाद ने अपने हाथ सख्ती से अपनी छाती पर रखते हुए मुझे देखा और उससे सबक उमड़ने लगे। हम अपनी जांच को आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं? यदि तुम्हारा यही विचार रहा है तो सप्तक मैंने पूछा मैं तुम्हारे साथ तभी सहयोग कर सकता हूँ यदि तुम एक भगोड़ा अपराधी कहना छोड़ दो। सप्तक ने कहा, तुम वास्तव में मुझे नाराज कर दोगी। ओके, आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज ऑफ ही इज नॉट ए क्रूक इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी। व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। ओके, अब वो कह रहा है कि प्लीज टेल मी। निषाद लुक्ड थॉटफुल। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो अनलोनली। आई वांट टू नो व्हाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन। मैंने भी तपाक से उत्तर दिया, मूर्ख व्यक्ति, मैं तुम्हें नाराज कर रही हूँ, मैं चिल्लाई, तुम मुझे पागल कर रहे हो। इन सब सवालों यानी पूछताछ का क्या अर्थ है? यदि वह एक बदमाश नहीं है, तो यदि तुम सोचते हो कि वह कुछ भी नहीं है, तो उसके बारे में उसे तंग करने का क्या विचार है, क्या मतलब है, कृपया मुझे बताओ। ओके, निषाद ने देखा और सोचकर कहा कि मैं केवल यह जानना चाहता था कि वह इतना दुर्बल क्यों है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कोई मित्र क्यों नहीं है, वह अकेला क्यों रहता है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम इफ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग, ही इज ऑब्वियसली स्केर्ड एंड समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप द कोप्स। ओके, Maybe no one's tried to make friend with him, Nishad protested. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. Okay, yani सप्तक समझने की कोशिश करो। मैंने उसे बताया, यदि वह शंकर के घर में एक वर्ष तक रहा और एक भी मित्र नहीं बन पाया, तो कुछ न कुछ गलत अवश्य है। वह स्वाभाविक तौर पर भयभीत है, कहीं कोई उसे पहचान न ले और पुलिस के हवाले ना कर दे।
शायद मित्र बनने का प्रयास नहीं किया होगा। निषाद ने विरोध किया, किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए, तुमने देखा वह कितना खतरनाक इंसान है। मैंने कहा ओके आई डोंट केयर सैड निषाद स्टूबर्नली। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड फ्रेंड्स विद ए क्रुक। हा यू आर क्रेजी सेवन आई सैड द कॉप विल टेक यू टू जेल विद हिम डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। निषाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन एट हिम। यानी उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है। निषाद ने दृढ़ता के साथ कहा वो मुझे ठीक है और मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि अब मैं उसका मित्र बनने के लिए जा रहा हूँ। बदमाश का मित्र, हाँ तुम पागल हो गए हो सब तक। मैंने कहा पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल में डाल देगी। मूर्ख, क्या तुम ऐसा होने देना चाहते हो। निषाद ने मुश्किल से ही मेरी तरफ देखा और चुपचाप कोने में चला गया। मेरे सारे सिद्धांत उस पर कोई प्रभाव डालते दिखाई नहीं दे रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड माई क्लास। दैट्स इट।